सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, SSC ने CHSL की घोषणा कर दी है। CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2018 के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है, और इसके लिए फॉर्म मार्च में भरना शुरू हो जाएंगे, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। हम जो आपके लिए लेके आए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 2 से लेकर 8 मार्च 2019 के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने वाला है। और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2018 का आयोजन कराएगा, और ये एग्जाम ऑनलाइन होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और इस एग्जाम के थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। ये एग्जाम होंगे आपके 1 जुलाई 2019 से लेकर 26 जुलाई 2019 तक। आपके एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक होने हैं, और ये डेट टेंटेटिव हैं। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो होगी 12th पास, यानी आप 12th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। वहीं जो कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं कैग में, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, उनके लिए 12th पास होना अनिवार्य होगा साइंस के साथ, जिसमें मैथ अनिवार्य है। और बाकी सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट को किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होना जरूरी होगा। तो वो कैंडिडेट जो कैग के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए 12th में मैथ होना अनिवार्य है साइंस के साथ। वहीं बाकी पोस्ट के लिए सिर्फ 12th पास मांगा गया है। तो साथियों, ये वैकेंसी 12th बेस पर निकलती है, इसमें टाइपिंग भी कराई जाती है। इसकी एज लिमिट, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, एग्जामिनेशन स्कीम और बाकी जानकारियाँ 5 मार्च 2019 को कमीशन की वेबसाइट www.ssc.nic.in पर उपलब्ध हो जाएंगी, और फॉर्म भी 5 मार्च से ही भरना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम की घोषणा कर दी है, 12th बेस पर ये भरी जानी है, और आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास हो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं वो कैंडिडेट जो कैग में जाना चाहते हैं लेखा एवं माप परीक्षक में, उनके लिए 12th में मैथ होना जरूरी है, बाकी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर आप कैग में आना चाहते हैं तो आपके पास साइंस होना जरूरी है 12th में मैथ के साथ, वहीं बाकी के लिए आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए। तो साथियों, ये वैकेंसी 5 मार्च 2019 से आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आपका एग्जाम होगा 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। तो जो कैंडिडेट 12th पास हैं या अपीयरिंग हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस एग्जाम का नाम है SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2018। साथियों, हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।